हाँ वजी। हाँ मुराद, कहाँ रह गए हो यार? सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वजी यार, ऑफिस आने में थोड़ी देर लग जाएगी, संभाल लेना। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे हाँ वजी यार, बस घर आया हूँ चेंज करने के लिए। रास्ते में एक लड़ाई हो गई थी, बस कुछ नहीं। क्या, कहाँ? तुम ठीक तो हो? अरे मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो, ओके बाय बाय। ओके क्या हुआ, किससे लड़ाई हुई है? क्या कह रहे थे आप भाई को? कुछ भी नहीं, रास्ते में गाड़ी के आगे एक जाहिल आदमी आ गया था। मैं बात करने के लिए उतरा तो बदतमीजी करने लगा, बस उससे लड़ाई हो गई। कुछ नहीं, दो चार हाथ हुए, चला गया। मुराद क्या करते हैं आप, अगर वो जाहिल था तो क्या जरूरत थी आपको बात बढ़ाने की? बुआ बुआ प्लीज पानी ले आइए। क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप चले अंदर। गलती हो गई मुझसे, मैं घर चेंज करने के लिए आ गया। रात में आके तुम्हें बताता, तुम्हें पता भी नहीं चलना था कुछ। लीजिए यार, मुझे पानी पीना ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्यों इतना पैनिक कर रही हो? पुलिस को बताया आपने? पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करता, उसके साथ एक लड़की थी। तुम्हें पता है फैमिली वालों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता मैं, और पुलिस को बुलाना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। खैर मुझे देर हो रही है, वजी बहुत परेशान हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं चेंज करके ऑफिस जा रहा हूँ। मुराद मुराद मैं देखती हूँ। तू अपनी अनीशा बीबी से कहना कोई एक जोड़ा दे दे, चमकता हुआ ऐसे रूही पहन के जाएगी, क्या बाबा होगी रूही की। अगर तू अपनी बेगम साहिबा की अलमारी में से एक सूट कर भी लेना तो मैं कसम खा के उसको पता भी नहीं चलेगा। बुआ जी, जी बेबी जी, सब खैरियत है? कोई परेशानी है? नहीं बेबी जी, ऐसी वो जवान बेटी की परेशानी से बढ़कर क्या परेशानी हो सकती है? बस उसी की तरफ से धड़का लगा रहता है, सारा दिन घर में अकेली होती है ना, अकेले छोड़कर आती हूँ उसे। और बीबी जी, मुंह जोर भी बहुत हो गई है, जो मुंह में आता ना बोलती चली जाती है बस। और उसकी ख्वाहिशों का तो पूछे मत, गरीब माँ की बेटी है लेकिन इसके बावजूद अपनी दुनिया में शहजादी है वो।
पैर तो उसके जमीन पर हैं, लेकिन आंखें आसमान पर टिकी हुई हैं। डर लगता है बीबी जी, कहीं उसके ये ख्वाब उसे निकल ना जाए। बुआ, ख्वाब देखना तो हर किसी का हक होता है, पर उसकी उम्र ही ऐसी है। ख्वाब देखना तो उसने भी शुरू किया है। कामयाब वही इंसान होता है जिसके पास ख्वाब होते हैं, और आप तो उसकी माँ है, उसे समझने की कोशिश करें। बेटियों को माँ से ज्यादा एक दोस्त की जरूरत होती है। अगर आप उसकी दोस्त बनेंगी तो आपको सब बताएगी, और अगर आप उसकी माँ बनेंगी तो शायद बहुत सारी चीजें आपसे छुपा जाए, नहीं बताए। बीबी जी, मेरी तो बस एक ही कोशिश है कि जितनी भी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दूं। कोई लड़का देखा है आपने उसके लिए? देखने की क्या जरूरत है बीबी जी, मेरी बहन है ना, उसका बेटा है मेरा भांजा, बचपन से रूही को बहुत पसंद करता है, बस उसी के साथ ब्याह दूंगी। अच्छा, काबिल है? हाँ हाँ बीबी जी, माशाल्लाह से काबिल भी है और मेहनती भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी रूही को बहुत खुश रखेगा वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। Congratulations everyone, हमारी कंपनी का turnover इस साल पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, so I think all of you should clap for each other. मुबारक हो मुराद, it's a great achievement. It's our achievement जी, but हमारे पास और बहुत बड़े बड़े projects हैं इस साल, so let's hope कि हम उस पर focus कर सकेंगे और इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, right? इंशाल्लाह। बुश्रा, तुझे क्या बताऊँ, इतनी शानदार गाड़ी और इतनी बड़ी, और इसमें बैठा बंदा तो पूछ ही मत ना, मेरी तो निगाहें रुक ही गई थी। और तुझे पता है, मेरे एक बार कहने पर सारा मामला रफा दफा कर दिया। अब ये ना कह दियो कि वो भी तुझ पे लट्टू हो गया। वैसे मुझे तो लगता है वो मूसा है ना, उसका गुस्सा देख के घबरा के डर के भाग गया है वो। हाँ, बात मत कर उस मूसा की, घटिया ना, आओ देखा ना ताओ, गिरेबान पकड़ लिया उसका। ये तो मैं बीच में ना आती तो उसकी जान ही ले लेता, मनहूस जंगली अनपढ़ गवार। अब इतने हैंडसम अमीर बंदे पर कोई ऐसे झपटता है, जाहिली है। नहीं नहीं, अमीर और हसीन लोगों पर तो नियत खोटी होती है ना, तेरी तरह। जल मत, अभी तो कोई रास्ते में आया है, कभी कोई रूही की जिंदगी में भी आएगा, बिल्कुल ऐसे ही, और फिर तेरी आंख खुल जाएगी। मेरी मान, मेरे भाई इरफान से शादी कर ले। अच्छा, उसका गला ना दबा दूं, मनहूस कहीं का। हाय रूही, इतनी जालिम तो ना बन, वैसे भी मूसा तो तुझे पसंद नहीं है। मेरे भाई इरफान से शादी कर ले, यकीन कर हमारी दोस्ती सालों साल आखिरी सांस तक चलेगी। हाँ बता दे रही हूँ मैं, दोस्ती जिंदा रहे, रूही के ख्वाब उनकी परवाह नहीं किसी को। ना बाबा ना। हाँ तो तेरे क्या ख्वाब है? अच्छा खाना, पहनना, ओढ़ना, अच्छा खासा कमाता है मेरा भाई इरफान भी, खुश रखेगा तुझे, कर ले शादी। वो फरोडिया जितना कमाता है ना, उससे रूही का गुजारा नहीं होने वाला। रूही को तो कोई रईस ज्यादा चाहिए, जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बंगला और बहुत सारा पैसा। ले भूल जा फिर तो, कोई नहीं आने वाला इस मोहल्ले में तुझे ब्याहने के लिए, अकेली रह जाएगी, आखिर में इरफान और मूसा से ही शादी करनी पड़ेगी तुझे। हाँ तेरे पास और कोई बात है या यही बकवास करती रहेगी? अच्छा चल ना, नाराज ना हो, शॉपिंग तो दिखा, तूने शॉपिंग क्या की है? क्यों दिखाऊं तुझे, मुफ्त का चाय बिस्किट ठूसने आ जाती है, चल निकल अब। हाँ अच्छा ना, तू बुरा ना मनाना, दिखाना शॉपिंग, देखनी है मेरे को। तू भी क्या याद करेगी कि रूही का दिल कितना बड़ा है, दिखाती हूँ। हाँ जा।
आज तुम फिर किसी से लड़कर आए हो? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस ऐसे ही। झूठ क्यों बोल रहा? तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम किसी से गुत्थम गुत्था होकर आए हो। कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस वो गाड़ी वाला आ गया था बाइक के सामने। इस तरह की छोटी छोटी बातें हो जाया करती थी, लेकिन अब इतनी सी छोटी सी बात पे तुम्हें तैश आ गया? इतनी सी बात, इतनी सी बात नहीं है अम्मी। मेरे साथ बाइक पे रूही बैठी हुई थी। रूही, उसे कुछ हो जाता तो? तो ये वजह थी? अरे जिस लड़की के जिस्म पर तुम एक खराश तक नहीं देख सकते, उस लड़की को तुम्हारी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। मियां मुझे कब तक रूही की खामियां गिनवाती रहेंगी? उनकी इस छोटी छोटी खामियों को आप नजरअंदाज भी तो कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप नजरअंदाज नहीं करेंगी तो आप दोनों इस घर में साथ रहेंगे कैसे? अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि उसी से शादी करोगे? हाँ, इसमें कुछ और सोचने की गुंजाइश बची कहाँ है अम्मी? मैं और रूही तो एक ही है ना, और ये बात तो तयशुदा है। अच्छा, आप परेशान ना हो और मुझे एक कप चाय पिला दें। बाकी चीजें डिनर पे प्लान कर लेंगे। निमल मुराद आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कैसा रहा आपका दर्द? बहुत अच्छा। फिर तो नहीं किसी से टकरा गया? क्या मतलब है इस बात का? ये क्या, क्यों तुम मजाक कर रही हो क्या? ये कैसी बात है, ताने दे रही हो मुझे? आपको बुरा लगा है? मुझे बहुत बुरा लगा है अनीशा, और ये कोई तरीका नहीं है। एक अच्छी बीवी अपने शौहर की ऐसी चीजों को कवर करती है, ना कि उनका मजाक उड़ाए, उसके मुंह पर मारे ये बातें। सॉरी मुराद, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हारा मेरा इस मामले में कोई मजाक नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट तुम मेरे साथ मजाक करना ही छोड़ दो। आपके लिए चाय लाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम मेरे साथ ये बदतमीजी करोगी और मैं तुमसे? चेहरा तो देखो तुम्हारा। सॉरी, मैं इतनी देर इस कैरेक्टर में रह नहीं सकता था। आई एम रियली सॉरी। नाथी, क्या तरीका, आपने डरा ही दिया था मुझे, और मैं सोच रही थी मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि शरारत करने का हक सिर्फ आपके पास है। हमने ये सोचा कि हमारी प्यारी सी बीवी अगर हमारे साथ शरारत कर रही है तो थोड़ी सी हम भी कर लें। मुराद, मुझसे वादा करें, कभी मजाक में भी आप मुझसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। तुम जिंदगी हो मेरी, और मैं भला अपनी जिंदगी से कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। वादा करता हूं तुमसे, सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा, तुमसे मोहब्बत करूंगा, ऐसे ही तुम्हें छेड़ता भी रहूंगा। अब चाय लाती हूँ। हाँ प्लीज, अच्छी सी चाय। पता है आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत बिजी था रात। वो आपसे एक बात करनी थी इससे पहले कि मैं फिर से भूल जाऊँ, कर लेती हूँ। अरे यार बोल दो, क्या हो गया है? एक्टिंग कर रहा था गुस्से की, बोलो। Happy anniversary, Murad.
और आप फिर से भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाय लाती हूँ। नहीं नहीं अनीशा, मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल, अरे यार मैं तो बिल्कुल भूल गया, क्या होगा ये यार, क्यों मैं ऐसा करता हूँ, अनीशा मुझे मार देगी। वो मुराद के लिए कप चाय बना दें। जी बीबी जी, अभी बनाती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ये कीजिए, चाय मैं बना लेती हूँ। अरे बीबी जी रुके ना, ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे, मैं भी बना देती हूँ। एक कप चाय तो है, वैसे भी मुराद के लिए कुछ भी करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। बीबी जी जितना प्यार आप साहब जी से करती है ना, अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बस आपके लिए तो दिन रात दुआएं करती हूँ मैं, आपको पता है। और देखना बीबी जी, इंशाल्लाह ताला एक दिन ना अल्लाह पाक आपकी गोद भी हरी कर देंगे। मैं इतवार को दरगाह शरीफ गई थी रूही के साथ, आपके लिए बहुत दुआ की मैंने, बस अल्लाह पाक आपको औलाद का सुख अता करे। आपकी आंखों का ख्वाब जरूर पूरा होगा बीबी जी, देखिएगा। क्यों जमा है? नजारा इतना अच्छा है। निकल यहाँ से। अगर ना निकलूं तो मैं जाकर भाई किसी बड़े को बता दूं। हाँ जल्दी बता। जा। रुक जा तू, इससे मैं ही निमट लेती हूँ। सच? हट जाओ भाई, शेर नहीं निपटेगी मुझसे। चल निपट। ओ जा, तेरे जैसे के मुंह नहीं लगती रूही। निकल अभी के अभी यहाँ से। बड़ा आया। चल तू। भाई दुपट्टा छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा दुपट्टा। दुपट्टा छोड़ इरफान। अरे
इरफान छोड़ो दुपट्टा। ये देखो भाई, भाई की एंट्री बिल्कुल सही वक्त पर हुई है, लेकिन तू इस वक्त यहां पर कर क्या रहा है? बकवास बंद कर। ये जरूरत कैसे उसके दुपट्टे को पकड़ने की? तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ओ भाई, मुझे पता है कि तू इसका खालाजाद भाई है, तेरा खून का जोश मारना बनता है। और हाथ तक की बात भी ठीक थी, लेकिन मुंह तक पहुंच के ना तूने अच्छा नहीं किया। उसको मेरे पास छोड़ो। क्या क्या कर रहा है तू? तुम यहां क्यों आई? और ऐसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी के अभी यहां से दफा हो जा मूसा, निकल यहां से। मारे बिना नहीं जाऊंगे, तो मेरे साथ चलोगी? चलो मूसा, चलो। ये सब क्या तमाशा है? देखो रोहित, तमाशा मत करो, खामोशी से चलो यहाँ से। नहीं जाना मुझे, ये सब तेरी वजह से मैं सारा फंक्शन खराब कर दिया। तू होता कौन है? तो और क्या करूं, तुम्हें उस इरफान के पास अकेला छोड़ दूं? चला जाऊं यहाँ से? बाहर में जाओ तुम दोनों। रूही किससे डरती नहीं है? रूही, लेकिन मैं तो डरता हूँ ना। अगर खाला को पता चल गया ना इस फंक्शन में मेरी और इरफान की लड़ाई हुई है, तो तुम्हारे घर से निकलना बंद कर देंगी। फिर कैसे निकलोगी घर से? क्या बहाना करोगी? अरे मैं तुम्हें कैसे देखूंगा, मैं तुमसे कैसे मिलूंगा रूही? रोहित, तो अम्मा और तुम्हारी मुसीबत, जान क्यों नहीं छोड़ देते हो मेरी? दम घुटता है मेरा। मनुष्य सारा हाथ मोड़ दिया, मेरा दर्द हो रही है मुझे। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं इतनी सख्ती से पेश नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। यहां से तो चलो, शोर मत मचाओ, सब लोग देख रहे हैं। चलो। तू ना मुझ पे कोई रोब नहीं जमा सकता, और अपना हक जताने का सोचना भी मत। रूही, बस करो, खुद चली जाऊंगी मैं। रूही किसी से नहीं डरती, ना अंधेरे से ना जिन से। रूही, रूही। सही कहा तुमने। सर माशाल्लाह, तुम दोनों की शादी को 6 साल हो गए। और इन 6 सालों में मुराद ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सुन लिया आपने भाई साहब, 6 सालों में आपकी बहन का बहुत ख्याल रखा है मैंने। मेरी मोहब्बत की मिसाल कायम हो गई है। ये सब मेरे खौफ का नतीजा है मुराद। अगर मैंने तुम्हें अपने हाथ से मुतारिफ ना कर दिया होता, तो हो सकता है कि तुम मेरी बहन को तंग करते। अरे वाकई यार, तुम्हारे भाई का हाथ तो बहुत भारी है भाई। क्या आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, खुद ही हंसते जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, हमें भी तो बताएं कि ये चल क्या रहा है। एक किस्सा मुख्तसर ये है कि लंदन यूनिवर्सिटी में जब मुराद पहली बार अनीशा को देखकर आया था, तो मुझसे आगे कहने लगा कि यार वो एक नई लड़की आई है जो बहुत हसीन है। थोड़ी देर बाद जब इसे पता चला कि वो मेरी बहन है, तो मुंह छुपाता फिर रहा था। लेकिन अभी भी हाथ भारी वाली बात आप लोग गोल कर गए। अरे वो तो जब इसने तुमसे शादी की ख्वाहिश का बताया, तो वो अचानक से मेरे इस पे हाथ उठ गया था। मुराद, आपने आज तक मुझे नहीं बताया। क्या बताता, उस थप्पड़ के पीछे तुम्हारे भाई की मोहब्बत और फिक्र जो शामिल थी। मुराद, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन भाई आपसे भी ज्यादा। रियली? यस, उस एक थप्पड़ की वजह से उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि वो कितने गैरतमंद है, और साथ ही साथ आपको जिंदगी भर के लिए मरूब भी कर लिया। माय गॉड, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। भाई अच्छा है ना, वैसे भी सोचने समझने के लिए तुम्हारे पास ढेरों सारी बातें हैं। जरूरी उस थप्पड़ को याद करके अपने दिल में बाल लाना। वजी, तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई। और जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए मेरे दिल में मैल कभी नहीं आएगा। तुम भी पहले मेरे लिए भाई हो, बहनों ही बाद में। ओके ठीक है, लेकिन ये एनिवर्सरी इन दोनों की है, आप दोनों की नहीं है। प्लीज एक दूसरे की तारीफें करना बंद करें, सही से खाना खाएं, सेलिब्रेट करें। तो बड़ा बनठान कर गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए। ये लिफाफा, ये इरफान की माँ को क्यों नहीं दिया?
आपकी मुलाकात हो तो आप उन्हें दे दीजिएगा। किसी से झगड़ा हुआ है? अम्मी आप जानती हैं मुझे, मैं कभी भी किसी से बिना वजह नहीं लड़ता। ओहो, इसका मतलब है कि झगड़ा कर कर आए। जिस जगह वो कलमोई तुम्हारे साथ होती है ना, झगड़ा जरूर होता है। अरे कितनों से लड़ोगे? पूरी दुनिया से लड़ूंगा अम्मी, पूरी दुनिया से, और जरूरत पड़ी ना तो अपनी किस्मत से भी लड़ बैठा। बेटा मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है, तुमने क्यों जमाने की भीड़ में लाकर मुझे खड़ा कर दिया है? मैं मोहब्बत की दुश्मन नहीं हूं, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र। मैं ये चाहती हूं कि मेरे बाद तुम्हें कोई संभालने वाली आ जाए। तुम्हारी फिक्र है और वो रूही। मैं अगर मुझे रूही ना मिली तो बिखर जाऊंगा मैं, क्योंकि रूही के सिवा ना मैं कुछ सोच सकता हूं ना ही कुछ समझ सकता हूं। आप कहती है ना कि रूही को मेरी परवाह नहीं, आप देखिएगा मैं रूही से इतनी मोहब्बत करूंगा, उसको उतना प्यार दूंगा कि वो मेरी परवाह भी करने लगेगी और मुझसे मोहब्बत भी करने लगेगी। अगर शादी के बाद भी ना बदली तो? देखो बेटा अभी तो तुम उसे पाने के लिए तड़प रहे हो, अगर बाद में पाने के बाद भी तड़पोगे तो फिर क्या होगा? है तो मेरी बहन की बच्ची ना, उसके रंग ढंग मुझे अच्छे नहीं लगते बेटा। अम्मी मैं रूही के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, आप रूही को मेरे लिए मांग लें अम्मी, अम्मी आप मेरे लिए रूही को मांग लें अम्मी। आप ही कहती हैं ना कि आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती, तो आप खाला के पास जाएं, आप खाला के पास जाएं, रूही को मांग लें मेरे लिए अम्मी, मांग लें, मेरा नाम जोड़ दें रूही के साथ, मैं उसे अपना बनाकर इस दुनिया की मैली नजरों से बचाना चाहता हूँ, मैं रूही को अपना बनाना चाहता। एक बार फिर सोच लो बेटा, मेरा दिल मुतमईन नहीं। कि मेरा दिल मुतमईन है? अगर आप मेरे दिल से पूछेंगी ना तो आपको रूही 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 सुनाई देगा अम्मी, मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता रूही के बिना। देखिए मैं आज आपसे आखिरी दफा हाथ जोड़ के कुछ मांग, इसको मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर दे, इसके बाद जिंदगी में कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे रूही दे दे अम्मी, मेरे सर की कसम है मुझे रूही दे दे। ये तुम्हारी यही खुशी है बेटा, तुम्हारे लिए मैं ये कड़वा घूट पीने को तैयार, लेकिन आइंदा तुमने ये बात की ना, अपने सर का वास्ता दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनीशा, तुमने कभी मुराद में बेऔलाद बाप को महसूस किया है? क्या मतलब? मतलब मैंने सुना है मर्द अगर बेऔलाद हो तो उसके अंदर छुपा बाप उसे कभी ना कभी बेवफाई करने पर उकसा ही देता है। मुझे मुराद पर पूरा यकीन है, वो मेरे साथ बेवफाई कभी नहीं करेगा। देखो तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी खुशगवार जिंदगी में बिल्कुल भी जहर घोलने की कोशिश नहीं करी, ना ही मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम उस पर शक करो, पर मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ। मर्द का दिमाग वैसे ही कंट्रोल से बाहर होता है, और तुम खुद ही सोचो ना, शादी के इतने साल बाद भी तुम्हारे साथ वो बहुत खुश है और उसने कभी बेऔलाद होने की कमी महसूस नहीं की, तो इस बात की और क्या वजह हो सकती है? निमल, साफ साफ बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? अब कहीं ऐसा तो नहीं कि मुराद ने तुमसे छुपकर दूसरी शादी की हुई हो और उसकी औलाद भी हो? निमल, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? आई एम नॉट जोकिंग। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुराद के बारे में ऐसा सोचती हो। मुझे मुराद की एक एक एक्टिविटी का पता होता है, वो कब कहाँ है, किसके साथ है, मैं सब जानती हूँ। ऐसा नहीं है रवायती बीवियों की तरह उसकी खबर रखती हूँ, जासूसी करती हूँ, बस वो हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, एक दूसरे को सब बताते हैं। मुझे बाकी मर्दों का तो नहीं पता है, लेकिन मुराद मुराद सबसे अलग है और वो कभी मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे।
मेरी दुआ है कि तुम्हारा भरोसा ऐसे ही कायम रहे और तुम्हारी लाजवाल मोहब्बत पर कभी कोई जवाल ना आए। आमीन। अच्छा चलो तुम जाओ, तुम उनके साथ जाके बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। श्योर। या अल्लाह इनकी मोहब्बत ऐसे ही कायम रहे। अब चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रही? अरे तेरे से कुछ पूछा है मैंने, जवाब देना। अरे बोल ना, क्या पूछ रही हूँ मैं? क्योंकि अम्मा मेरा दिल नहीं है बात करने का, जाती क्यों नहीं है यहाँ से? चल नहीं करती मैं तेरे साथ कोई भी बात, मगर जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे। जब मैंने मूसा से कहा था तुझे घर छोड़कर जाए तो अकेली क्यों आई, उसके साथ क्यों नहीं आई? आया था गली की नुक्कड़ तक। अरे तो घर तक लेकर आती ना, घर क्यों नहीं आया वो? क्योंकि मैंने भगा दिया उसे। हर वक्त तुम लोग मेरे सर पर सवार नहीं रह सकते, जीने क्यों नहीं देते हो मुझे? देख रुई, तेरा ये रवैया ना मूसा के साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपने आप को बदल ले, आगे जिंदगी तूने गुजारनी है उसके साथ। अम्मा ये बात तो यहीं खत्म कर दे, और आइंदा उसके साथ मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ रूही, कहाँ वो दर्जी? क्यों, क्या कमी है मूसा में, है बता ना? और किस बात का गुरूर है बीबी, क्या मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी? सोने का चम्मच ना से, लेकिन आंखों में सोने चांदी की चमक है। उस मूसा की झोपड़ी की ना सिलन ज्यादा दीवारों में नहीं है। ख्वाब और हकीकत में बड़ा फर्क होता है बीबी, हर किसी को मनचाही ताबीर नहीं मिलती। तू अपने आप को जितना मर्जी कायल कर ले, हैं, भाग ले, लेकिन सच तो यही है कि तेरा दादा एक कुम्हार था और तेरा बाप एक कुम्हार के बनाए हुए गुलदानों को रेड़ी पर रखकर बेचा करता था। एक रेड़ी बान की बेटी है तू, रेड़ी बान की। हाँ तो तू क्या चाहती है, इस लकब के साथ मर जाऊं कि मैं रेड़ी बान की बेटी थी? देख अम्मा, इंसान की किस्मत ना उसके अपने हाथ में होती है। अगर इंसान कच्ची मिट्टी को अपनी मर्जी से सांचे में ढाल सकता है ना, तो अपने ख्वाबों की ताबीर भी पा सकता है। और मैं जिंदगी से अपना हक लेकर आऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हाय अल्लाह, पता नहीं ये लड़की क्या गुल खिलाएगी। है मेरे मालिक, एक ही एक बच्ची है मेरी, इस बोझ को इज्जत के साथ उतारने में मेरी मदद कर दे मालिक, बस मेरी मदद कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुराद ने तुमसे छुपकर दूसरी शादी की हुई हो और उसकी औलाद भी हो? क्या हुआ, इतनी गहरी सोच में कहाँ गुम हो? आपके अलावा कुछ और सोच सकती हूँ मैं? हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ। फिर क्या सोच रही हो? मुराद मुझसे वादा करें कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। रे क्या हो गया, यहाँ हूँ? आज इतनी इनसिक्योर क्यों फील कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस निमल ने किस्सा सुनाया था। क्या? निमल की एक फ्रेंड है जिसके हस्बैंड ने अपनी पहली बीवी से छुपकर दूसरी शादी कर ली, और जब तक राज नहीं खुला उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अरे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, वो तो बहुत बड़ा इंसान था, बहुत महान इंसान, बहुत ही समझदार। मुराद, आपको किसी मर्द की बेवफाई समझदारी लग रही है? एक बात आप याद रखें मुराद, आप मेरे अलावा किसी और का हक को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी।
क्या बताऊं तुम्हें। अनीशा, बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। दरअसल बात यह है अनीशा कि तुम्हारे अलावा भी किसी और का हक है मुझ पर। किसका है? कोई जिसके आगे मेरा बिल्कुल भी बस नहीं चल सकता। जब चाहे मुझे तुमसे दूर कर सकती है, ये तो उसकी मेहरबानी है कि आज तक उसने मुझे तुम्हारे पास रहने दिया। मुराद, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हैं आप? कह रहा हूं है कोई जिसके सामने मैं बेबस हूं, लाचार हूं, कुछ नहीं कर सकता।